नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। कब से मैं रीडिंग कर लेती, लेकिन लाइट काट दी थी ना, वायर काट देती है डेविल, हमारे घर की ना लाइट काट देती है डेविल, ताकि मैं काम ना कर पाऊँ। डेविल बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है ये, रात दिन मेहनत करती है ये डेविल, बहुत मेहनत करती है ये, बहुत हार्ड वर्किंग है ये, दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करने में बहुत हार्ड वर्किंग है ये। अब इसको हम पावर चार्ज करेंगे, ठीक है, 3 बार पावर चार्ज करेंगे। लाइट काट देती है ना डेविल, मिस्टिक मंडे स्टारों को पावर चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं रीडिंग। डेविल कौन है पता है? महान टैरोडर है ये। सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अब तक बहुत ज्यादा, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन के बारे में सोचा हो। ये जो इंसान है ना, इसने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना के रखी है, ये उस दुनिया से बाहर ही नहीं निकलता, इमेजिन कर लेता है, मतलब खुद को ही राजा या रानी समझती है ये। इसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया बिठा के रखी है इसने, वो उस दुनिया से बाहर नहीं निकलती, एक काल्पनिक दुनिया जहाँ पर वो राजा है या रानी है, कोई इसके आगे नहीं जा सकता, वो नंबर 1 डिजर्व करती है, करता है। ये इंसान बहुत इमेजिनेशन में जीता है। इसके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इसके पास, ठीक है। इसको लगता है कि इससे ग्रेट कोई नहीं है, इसको लगता है कि हर कोई इसको पसंद करता है, ये इसका भ्रम है। बहुत सारे भ्रम है इसके दिमाग में, जिस भ्रम को निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि सारे उसको पसंद करते हैं। बहुत भ्रम में जी रहा है ये इंसान, जो कोई भी है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए। देखो इसको रिच बनना है, पैसा चाहिए, इसको रिच बनना है। किसी के साथ रेजोनेट होगा गाइस कि ये जो आपका पर्सन है ना, अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, इसको ढेर सारा पैसा चाहिए, ठीक है, और वो इसको मिलता नहीं है, तो ये उल्टे धंधे अपनाता है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है, इसको सब कुछ चाहिए, इसको पैसा धन दौलत सब कुछ चाहिए, ठीक है, और इसको वो मिलता नहीं है, तो फिर ये उल्टे धंधे, ठीक है, उल्टे रास्ते अपनाता है। स्टेबिलिटी चाहिए इसके लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने बहुत सारे, चाहे वो जॉब करके देखे, बिजनेस करके देखे, लेकिन इसको जितना पैसा चाहिए वो इसको मिलता नहीं है, और उस पैसे को पाने के लिए ये कुछ ऐसा, कुछ अलग ही रास्ते अपनाता है। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं कर सकती। और बात रही यहाँ पर प्यार की, तो ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, इस रिश्ते में वो आगे भी बढ़ना चाहता है। अगर इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, तो जैसे कि किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इसने सबक सीख लिया है, ठीक है, इसने सबक सीख लिया कि आप कैसे हो, दुनिया कैसी है, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, और ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, देखते हैं। यहाँ पर टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है, यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जाई है, किसी के लिए इंसान कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, ऐसा हो सकता है, या कोई बिजनेस करना चाहते हो, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि इसने बहुत सारे बिजनेस करके देख लिए, लेकिन उसमें ये फेल हो गए, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और जो इसकी, मैंने बोला ना, इसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया है, ये वहाँ पर खुद को राजा या रानी समझती है, और इसको लगता है कि ये ही नंबर 1 डिजर्व करता है, करती है, ठीक है, सब इसके सामने, मतलब खुद को टैलेंटेड मानती है, ठीक है, ओके, नंबर 1 डिजर्व करती है ये, ऐसा इसको लगता है, ठीक है। और फिर वो नंबर 1 रहने के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर उसके लिए कुछ गलत काम भी ये करती है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 24 की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है नंबर 24 या नंबर 7 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए जैसे कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंसान आपकी तरफ वापस आना नहीं चाहता, ठीक है, वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, और यहाँ पर ये रीजनरेशन की जो एनर्जी है, रीयूनियन की ही एनर्जी है। और बॉटम में है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, जो दिया है वो लौट कर तो आएगा, भले वो कुछ भी हो, ठीक है। ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, जो इस इंसान ने दिया है
वो इसकी तरफ लौट कर ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल वो सब कुछ लौट कर आएगा जो इसने दिया है। कर्म, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, ठीक है, या आपने इस इंसान को कोई गिफ्ट दिया है, या बहुत जल्द आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट मिल सकता है। इनके घर में क्या ठो सकती है, और जिस तरह से आप एनर्जी हैं किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद आपके सामने आना चाहते हैं। अगर आपकी इस इंसान को मिलने की विश है तो यहाँ पर बहुत गुड न्यूज़ है, आपकी विश पूरी होने वाली है। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट में है ना, उनके लिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी पर्सन सोच रहे हैं कि वो खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अगर वो खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो खुद को भी समझेंगे और आपको भी समझेंगे, आपके प्यार को भी समझेंगे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा रेस्ट करें आपके पर्सन, देखो आपकी तरफ तो आना ही है। देखो यहाँ पर कैसे पेड़ ये, इसको नए पत्ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता ख़राब हो चुका है और अब एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होने वाली है। हो सकता है इसके कन्फ्यूजन की वजह से, इसके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, इसके दिमाग में इसने अपनी अलग ही दुनिया बना के रखी है। वो इंसान उस इमेजिनेशन से बाहर ज़रूर निकलेगा, उसको निकलना ही पड़ेगा कब तक अपनी इमेजिनेशन में ये जीता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार। वो खुद को टाइम देना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। हर वक्त जो इंसान को कन्फ्यूजन है दिमाग में, तो ये अपने अकेले, ठीक है, अकेला थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं आपके पर्सन, समझना चाहते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए इंसान अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अकेला फील करे, ठीक है, अकेले रहे, आपको समझने की कोशिश करे, खुद को समझने की कोशिश करें कि गलती हुई कहाँ है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए इसको बहुत घमंड है, इसको घमंड है कि इसके पास ऑप्शन है, इसको घमंड है कि इसके पास पैसा है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इसके पास पैसा है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इसको बहुत सारा पैसा कमाना है, इसका सपना है, इसको रिच बनना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, चाहे कितना भी लॉस हो जाए, ठीक है, हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग है। अगर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर जो कोई भी लॉस होता है, कितना भी लॉस हो इंसान का, कभी ना कभी वो उस लॉस से उभर ही जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ लॉस हुआ है इस रिश्ते में, तो अब वो लॉस भर के निकलने वाला है, ये रिश्ता ठीक होने वाला है, ये इंसान आपकी तरफ वापस आने वाला है। और हो सकता है कि इस इंसान को एहसास हो जाए, जो इंसान अब खुद को वक्त दे रहा है, समझ रहा है, ठीक है, तो इसके दिमाग की बत्ती जलेगी तो इसको समझ में आएगा कि वो कितना गलत कर रहा था आपके साथ, इस रिश्ते के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहा था, आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर रहा था। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, और यूनियन की एनर्जी तो है नंबर 4, नंबर 6, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी आई है, हो सकता है डबल 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, डबल 4 है यहाँ पर और डबल 2 भी है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर भी 24 है, डबल 2 डबल 4 की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप सिर्फ इस इंसान को देते आए हो, चाहे गिफ्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, लेकिन जो बैलेंस होना चाहिए वो होता नहीं है। चाहे आप अपने पर्सन को दे रहे हो, चाहे घर वालों के लिए कुछ कर रहे हो, आपके लिए कुछ कोई कर रहा है तो आपको इनकार नहीं करना है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि सिर्फ आप ही देते जा रहे हो, आप ही दूसरों के लिए करते जा रहे हो, कुछ भी मेहनत कर रहे, घर वालों के लिए, भाई बहन के लिए, पार्टनर के लिए, आप अकेले ही सब कुछ करते जा रहे हो सबके लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप थक जाओगे और आप खाली हो जाओगे, आप लॉस में चले जाओगे। तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, तो ये बैलेंस करना पड़ेगा आपको। हर वक्त आप ऐसा इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप घर वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और घर वाले अगर आपके लिए कुछ करना चाहते, तो आप इनकार मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरों को भी मौका दीजिएगा कि वो आपके लिए कुछ करें, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर आई है। और हो सकता है आप में से बहुत लोग, आजकल आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, किसी किसी के घर में कैट हो सकती है, और वो यहाँ पर डॉग लवर भी हो सकते हैं, या एनिमल आपको बहुत पसंद है, या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बड़े दिल के भोले हो, बड़े दिल के भोले हो, और इस इंसान ने, हो सकता है अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इसने आपका फ़ायदा उठाया, चाहे वो पैसों के लिए हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और ये जो वक्त है ना, आप सोच समझ कर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या यूनिवर्स से आप मांग रहे हो ना, तो सोच समझ कर मांगिएगा, ठीक है।
गलत चीज़ों को, गलत इंसान को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है अपने लाइफ में। बाद में फिर आपको ही पछतावा होगा कि आपने क्या कर दिया। ठीक है, आपने गलत इंसान को अगर मैनिफेस्ट किया या गलत चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया तो इसकी तकलीफ़ आपको ही होगी। ठीक है, तो जो कुछ भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो तो सोच समझ कर मांगना है कि क्या आपको सच में उस चीज़ की या उस इंसान की आपको ज़रूरत है, क्या वो आपके लिए सही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। ये जो वक्त है ना, आपकी विश पूरी होने का वक्त है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर मैसेज आए हैं। अब आपके लिए और संदेश क्या है, ये जो इंसान है ना, थोड़ा पेशेंस लग सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन लेकिन मैंने बोला ना कि इंसान अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, इसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना के रखी है इसने, काल्पनिक दुनिया। ओके, प्रोजेक्शन, जिस तरह से आप एनर्जी है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंसान, ठीक है, जैसे हरकत ही इंसान कर रहा है आपको नहीं करने हैं। ठीक है, आप तो समझदार हो ना। ठीक है, अगर इस इंसान को कन्फ्यूजन होता है, ये इंसान कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है आपको परेशान करने के लिए हो, या आपको हर्ट करने के लिए, अगर इसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी है तो इसका कर्मा तो इसको मिलेगा। ठीक है, आपको वैसे नहीं बर्ताव करना है। आपको जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ गलत, अगर कुछ लोग यहाँ पर है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसके साथ आप गलत मत करो, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसने तो बुरा किया, फिर आप भी करोगे उसके साथ बुरा, नहीं करना है आपको। यूनिवर्स पूरा पूरा हिसाब करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हिसाब होगा, एक एक बात का हिसाब होगा, एक एक आंसू का हिसाब होगा, यूनिवर्स पूरा पूरा हिसाब करेगा। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं तो आपको थोड़ा शांत रहना है। ठीक है, और हो सकता है कि इंसान गुस्सा करता है तो आप गुस्सा करना शुरू कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जिसका कर्म उसके साथ सब कुछ पलट कर आता है इंसान के पास जो उसने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास थोड़े छल कपट करने वाले लोग हैं, कुछ पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपटी, एक नंबर का कोई कपटी हो सकता है आपके आसपास, जो हमेशा आपको परेशान करना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, जो चाहता नहीं कि आपका अच्छा हो। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको सेविंग करने की ज़रूरत है, हो सकता है जितना पैसा आ रहा है आप खर्च कर रहे हो, थोड़ी सेविंग करने की ज़रूरत है। और किसी किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा आप कंजूस बन रहे हो, खुद के ऊपर भी कुछ पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो उनके लिए कि आपको खुद के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना है। दो बातें हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो आपको सेविंग करनी है, और अगर आप खुद के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हो तो थोड़ा खुद के लिए आपको खर्च करना है। ठीक है, नंबर चार, ठीक है, चार भी खास हो सकता है, सेवन भी खास हो सकता है आपके लिए। कौन है ये ये कौन है, इसको सारा पैसा चाहिए, सब चाहिए, कौन है कपटी, दूसरों के हिस्से का भी सब कुछ लूटना है इसको, कौन है ये मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे हो, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, कोई आपको हर्ट कर रहा है, देखो छल कपट करने वालों की कमी नहीं है, तो कोई बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है और आप दुखी हो रहे हो। अब दुखी नहीं होना है, कितने दिन आप दुखी होंगे, हर दिन यही चलेगा क्या, नहीं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको हैप्पी रहना होगा, आपको खुश रहना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, हैप्पी, छोटी सी जिंदगी है और इसको हंसते हंसते गुजारना है, खुश रह के गुजारना है, और जिसने आपको परेशान किया है उसका पूरा हिसाब होगा। यूनिवर्स करेंगे पूरा पूरा हिसाब, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि दूसरे लोग आपको खुद के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, और जब उनको कुछ खासियत दिखती है आप में तो वो जल उठते हैं, जल भुन कर राख हो जाते हैं आपके ऊपर, आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं वो खुद के साथ। जितना ज़्यादा वो देखते हैं, जितना ज़्यादा उनको समझ में आता है उतने ही ज़्यादा जल भुनकर राख हो रहे हैं आपके ऊपर, और उनको जलने दो, जलने वाले जलते रहे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके ऊपर जल रहे हैं इसका मतलब कुछ तो खास है, यही तो। ओके, तो ये बात यहाँ पर आई है। आई होप
आपको रीडिंग पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।